बारवाटी धौल एक्सप्रेस को स्वागत करीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे तीस लक्ष मुंड जमीन छत्तीस घंटार निरवच्छिन्न ऑपरेशन राजधानी अपहृत छात्र सुनाखड़ा निकट जंगल उद्धार स्थान बदलाउ अभियुक्त को ठाब करने कष्टसाध्य कार्रे मारणास्त्र जब सहित चारजण को बांधिला पुलिस कटक्रे नक्सल का एंट्री फोन रे लाल सलाम कही डाक्टर सामी सलीम को मागिले 50 लक्ष दादाबटी नदले परिवार को अपहरण धमक एतलापर झारखंड अभियुक्त को गिरफ कला पुलिस दुई मास रे स्कूल खोलो हाईकोर्ट रे स्कूल खुलिबा मामलार सुनाणी कटकणा भितरे स्कूल खुलिबा को राज्य सरकार को निर्देश चाकरी विदा हेले वरिष्ठ आईएएस विनोद कुमार दुर्नीति अभियोग प्रमाणित परे कार्यानुष्ठान महावात्या परे विनोद को नारे 33 कोटी रु अधिक टंकार घोटाला अभियोग आसला राज्य प्रस्ताव रे केन्द्र हं एवं बढ़ला पारद कमिला शीत तीन दिन मध्य तीन रु पांच डिग्री बढ़ तापमात्रा पश्चिम झड़ प्रभाव में तीन रु वर्षा आभ्यंतरण और उत्तर ओडिशा को अलर्ट तीस लक्षर मुंड जमीन छत्तीस घंटार निरवच्छिन्न ऑपरेशन राजधानी अपहृत छात्र ईशान अग्रवाल नयागढ़ सुनाखला निकट जंगल उद्धार पूरा फिल्मी स्टाइल पुलिस छत्तीस घंटा धरी निरवच्छिन्न ऑपरेशन परे धरा पड़ती चारि अपहरणकारी सोमवार अपराह्न पांचटा झाड़पड़ा व्यवसायी रामरूप अग्रवाल पुओ ईशान अग्रवाल को लक्ष्मीसागर अंचल उठाई ने अपहरणकारी तीस लक्ष टा मुंड जमीन रखी फोन कले लक्ष्मीसागर थाना इतला देते रामरूप अग्रवाल आपर आरंभ होता पुलिस मिशन पुलिस मिशन रे अल्प किसी टंका सहित निज कारे ईशान को बापा मध्य सामिल थिले आउ सुरक्षा दृष्टि गाड़ी लुचि बसते दुई पुलिस ऑफिसर धरा न पड़ा अपहरणकारी 58 जगह बदलाई ऑपरेशन रे सामिल थिले कमिशनर पुलिस स्पेशल स्क्वाड सहित चारिटी टीम शेष में गतकाल विलंबित राति नयागढ़ सुनाखला निकट थ एक जंगल भितर उद्धार करागला अपहृत छात्र को ता सहित चारि अभियुक्त को गिरफ्त करडनापकारी अपहरण बेले व्यवहार होता छुरी दौड़ी कार को जबत कर पुलिस अपहरण में संपृक्त अन्य दुई अभियुक्त को धरने पुलिस चढ़ाउ जारी रही आमको जी अभियोगकारी से पुलिस जथेष आस्था रखी जो कम्युनिकेशन सहित से आस्था को भित्ति करी आमे आम काम आगे चारिज व्यक्ति को आम ए गिरफ्त करें सक्षम हो जो मैंने किडनापिंग रे इनवल्व थे से रामकृष्ण जहाँ घर ब्रह्मपुर संतोष राउत जे संबलपुर धनेश्वर पात्र जहाँ घर है नयागढ़ और चतुर्थ मुस्ताक अली जहाँ घर खंडगिरी सबुठ मजा कथा आम ये हिसाब कर देख लु से जो स्विफ्ट कार रे जो अपहृत को धरी 800 किलोमीटर रु ऊर्ध से माने खोर्धा पूरी नयागढ़ एमती सब अंचल बुली पिछा करी कमिशनर टीम भी 700 गोटे गाड़ी 700 किलोमीटर रु ऊर्ध पिछा करी धरी शेषे गिरफ्त करिवारे सक्षम होता आउ सब बड़ कथा घटनार 36 घंटा भितरे आमे अपहृत को आउ अपहर्ता समस्त को गिरफ्त करिवारे सक्षम होछु जेते बेले आमे तांकु गिरफ्त करी पचरा उछरु जणा पड़ला एई ग्रुप एई जानुअरी मासरे ब्रह्मपुर रे भी एई भलिया गोटे घटना घटेछंती आमे ब्रह्मपुर पुलिस को इंटिमेट करिछु आउ आमे आहुरी तदंतरे चेष्टा करिवु आउ एपरी कोनोसी घटना से माने घटेछंती कि आउ घटेकिरी से माने खसी जाइछंती कि तेणु आमे तांकु जदियो जुडिशियल कस्टडी को फॉरवर्ड करिवु तांकर रिमांड पई आमे प्रे करिवु आउ अधिक तदंत करी तथ्य आउ जदि किछि दिबो ताहा पदा को आनिबा को चेष्टा करिवु ए केस रो तदंत करी फाइनली से पूरा ग्रुप को आमर जो कमिश्नरेट पुलिस टीम धरिबारे सक्षम होइतिला एवं सबुठ मजा कथा हला आमे जे एई जो तदंत करी जोटे स्विफ्ट कार जोटा व्यवहार होइतिला तादरे रजिस्ट्रेशन नंबर नथिला ताकु जबत करथिलु दीटा नाइफ छुरी जहाँ को देखे इनफैक्ट से छुरी पिलाटर देहरे लगे से फोटो को पिलार बापा पाक पठे भयभीत करवा कंपेल करवाक सी शीघ्र से रैंसम मनीटा दे दू कितु
सही जो माने अभियुक्त माने आमको जे अभियोगकारी से पुलिस उपरे जथेष आस्था रखी एवं जो कम्युनिकेशन थिला तांको सहित से ही आस्था को भित्ति करी आमे आम काम आगे थिलु चारिजण व्यक्ति को आम एथिरे गिरफ करिवारे सक्षम होइछु जो माने एक किडनैपिंग रे इन्वॉल्व थिले। मंकी कैप सब लगा के तो उनका चेहरा कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं पहचान नहीं पाया कि कौन बुला रहा है। तो मैं जैसे गया उनके पास तो वो गाड़ी के बाहर खड़े थे, तो पीछे से फिर दो जन आए, मुझे अंदर ग्रैब किए, अंदर क्या डाले, पट्टी वट्टी लगा के ऐसे करके लेके गए। संदीप सर आए मुझे, मैं ऑलरेडी छुपा हुआ था, मतलब मुझे गाड़ी के अंदर छुपा के हेड डाउन करके नीचे रखे थे। अच्छा। फिर संदीप सर आए और उसके उनके साथ संजीव सर आए, उनके साथ मैडम भी थी और भी दो ऑफिसर सर थे। फिर वो लोग ही आके रेस्क्यू किए, मुझे बचाए, उन गन वन उनको दिखाए, तब मुझे पता नहीं चला कि वो पुलिस है, क्योंकि वो लोग सिविल में थे। अपहरण परे 30 लाख टंकार मुंड जमिन रखिथिले अपहरणकारी, टंका नदेले ईशान को हत्या करी फिंगी देबाकु धमक देउथिले। एमिति थरकु थर जगह बदलाउथिले अपहरणकारी, धरा न पड़िबा पई अपहरणकारी 58 जगह बदलाइथिबा पुलिस कहिछे। फिल्मी स्टाइलले अपहरणकारी को 3 टीम पुलिस को चकमा देबाकु विभिन्न नंबर हत्या धमक देउथिले। सुनंतु केमिति धमक देउथिले अपहरणकारी। अरे भैया ले रहा, मेरे को बीपी बढ़ गया, गाड़ी की व्यवस्था हो रही, एक आदमी को बोला गाड़ी थोड़ा सा बीपी, मतलब बेटा प्यारा नहीं है क्या? बेटा प्यारा नहीं सर, इतना एक सब सर कोरोना टाइम में शाम के तुम 2-4 घंटे में कौन सा मालूम नहीं है क्या? 4-5 घंटे में नहीं क्या जुगाड़ करना सर, इतना आजकल कोरोना टाइम में कैसा संभव सर? कोई आदमी इतना चाहना है कुछ पैसा देने के? 4-5 घंटा क्या बोल रहे, बोला ना तेरे पास जितना हुआ देने के लिए बोला। हाँ वो लेके आ रहा हूँ सर, गाड़ी का वही व्यवस्था है ना, वो एक मेरा एक गाड़ी स्कूटी है और वो भी खराब हो गया रात को, किसको जगा के बाद बोला वो भैया, वो तो विकास जी था उनको बोला, बोले भैया भैया मैं लेके आ रहा हूँ, चिंता मत। तेरे पास गाड़ी नहीं है क्या अभी? मेरे पास गाड़ी सर कहाँ से आ गई, एक ही तो स्कूटी है सर। स्कूटी से लेके आओ फिर। हाँ तो स्कूटी में लेकर, मेरा स्कूटी सुबह से सर दिया हुआ है, मैं मेरे को क्या मालूम ऐसा जरूरत पड़ेगा बोल के, नहीं तो जो बेटा लेके जाए तो वही स्कूटी से मैं काम चला लेता हूँ, 15-20 मिनट में आ रहा हूँ भैया, 15-20 मिनट किसी दाव नहीं तो पैदल आऊंगा और क्या साइकिल लेके आऊंगा। सुनो ये लास्ट 15-20 मिनट में नहीं है, कटक रे नक्सल को एंट्री, फोन करी लाल सलाम कही कटक सहर रे डाक्टर सामी सलीम को मागिला 50 लाख टंका, तांको परिवार को अपहरण करबा को देला धमक। एतला परे झारखंड जाई जने अभियुक्त को गिरफ करछि बिडानासी थाना पुलिस। अभियुक्त रा ना इमरोज अंसारी, से झारखंड रा बासिंदा। डाक्टर सलीम को फोन करी निजो को नक्सल परिचय दे मागुतला दादाबोटी, फोन करथिबा नंबर टी ढेंकानाल बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे अभियुक्त केवल कटक रो ए डाक्टर नुंती बरम झारखंड रा जने विधायक को ठारु मध्य 50 लाख टंका दादाबटी मागुला, एथिरे आउ कहार संप्रुक्ति रहिछि सेनी तदंत करछि बिडानासी थाना पुलिस। डीसीपी सर को विषय में इनफर्मेशन पास कली, सर गोटे लाल सलाम नाम बारंबार मेसेज आस प्लस राति दिन टेलीफोन आसूसी, टेलीफोन धमक चमक देवा स्टार्ट करुच्चे सी ना डीसीपी सर जहाँ सीरीयसली ने एक्शनटा तापर चलला, बारंबार से फोन कर लगला आज आसूँ काली आसूँ बम पकईदेवी आप उठे मर्डर करदेवी आ लाल सलाम रो सलाम नियंतु जो नक्सल करते एक्जाक्ट से ही लाइन लाइन रेट रे कला से सीम। आम जो तदंत कलु जानवाक पड़ी से ढेंकानालु आक्टिव होता मात्र तार कौन पेपर डॉक्यूमेंट कौन अथेंटिकेटेड नाला एटा फेक सीम थिला, तथापि आम तदंत आगे तेरे केउंझर एवं मयूरभंज जिले में तदंत चलता जेहेतु लोकेशन से हीपटे देखा झारखंड एरिया लोकेशन देखा, तो आम टीम सब इन्स्पेक्टर निरंजन भई नेतृत्व में गोटे टीम झारखंड एरिया जाकि तदंत करते परवर्ती मुहूर्त में आम उक्त आसामी को अरेस्ट करिवारे गतकाली अरेस्ट करिवारे सक्षम होइछु। हाईकोर्ट रे स्कूल खोलिबा मामलार सुनानी, 2 मास रे स्कूल खोलिबा को राज्य सरकार को निर्देश देछंती कोर्ट। मामलार सुनानी करी स्कूल खोलिबा को निर्देश देछंती हाईकोर्ट। दीर्घ दिन धरी स्कूल बंद रहितबारु पाठपढ़ा ब्याहत होइछि, तेबे कोविड कटकणा भितरे स्कूल खोलिबा ने हाईकोर्ट रे मामला रुजु होइतिला, जार विचार करी कोर्ट एभली निर्देश देछंती। कोविड कटकणा भितरे किभली स्कूल खोला जाय परिबो एने राज्य सरकार कोर्ट को जणाइबे, पूर्वरु जारी होइतिबा गाइडलाइन रे स्कूल खोलिबो। स्कूल मैटर रे मान्यवर होछि हाईकोर्ट होछि आदेश कले आपण सेक्रेटरी रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को 2 मास भितर से टोटल पिटीशन आउ होछि आवेदन
ଏଇଟାକୁ ହେଉଛି ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ, ତା ଉପରେ ସେ ହେଉଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ହେଉଛି ଲଫୁଲି ହେଉଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଆଉ କେମିତି ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଖୋଲାଯିବ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ହେଉଛି ହେଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି, ଯେହେତୁ ସରକାର ହିଁ ତା ଉପରେ ହେଉଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥର ମେନ୍ ହେଉଛି ଅଥରିଟି ରହୁଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସେଥିରେ ହେଉଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥଟା ଯେଉଁଟା 50% ଥିଲା ସେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି 70% ହେଉଛି ହେଲାଣି, ଯେଉଁଟା ଯାହା ଉପରେ କି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ତା ଉପରେ ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ ଏହା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓମିକ୍ରନ୍ ବା ହେଉଛି କରୋନା ଯଦି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁନି, ପାର୍କରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁନି, ମଲ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଦେଲେ ଓଲଟା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ବିନୋଦ କୁମାର, ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମର ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବା ସମୟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ନକଲି ଫାର୍ମ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଚିତ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 33 କୋଟି 34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେଆଇନ ଭାବେ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 27 ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 2 କେସ୍ରେ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ସହକାରୀ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ରତ୍ନାକର ସେଠୀ, ରତ୍ନାକରଙ୍କ ଘରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଓ କଟକର 6 ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 6 ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ 12 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଏ ରେଡ୍ ସମୟରେ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ କଟକରେ 2 ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାସାଦ ସହିତ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚୌଦ୍ୱାରେ 3 ଏକର ଏକ ଜମି ସହିତ 500 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଏବଂ 2 କେଜି 500 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଠାବ କରାଯାଇଛି। ରତ୍ନାକର ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ 1 କୋଟି 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର 10 ପାସ୍ବୁକ୍ ସହିତ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏବଂ 87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେଭିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ରତ୍ନାକର ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସହକାରୀ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଜାନ କିଛି ମିଳିବନି, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯିବ ସବୁଯାକ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ, ତାକୁ ରେକର୍ଡ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବେ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା। କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପା ବି ଜଣେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ବି 94 ଜବ୍ କରିଛି, ମିଷ୍ଟର ବି ମୁଁ 95 ଜବ୍, ମିଷ୍ଟର 94 ଜବ୍, 2 ଯାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିଛୁ। ତାପରେ ଆମର ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟିକୁ ସେ ଲେଖିକି ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କରିଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗା କରିଛୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋପରେଟ କରିଛି, ସବୁ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଧୋକା, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଫସାଇ ଧୋକା ଦେଲେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏପରିକି ପ୍ରେମରେ ଫସାଇବା ପରେ ଅଙ୍କିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ରଖିଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ଅଙ୍କିତ ଯୁବତୀଙ୍କର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗର୍ଭପାତ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ଆଜି ଯୁବତୀ ଜଣକ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଭଡ଼ାଟିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଗତକାଲି ଜଟଣୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭଡ଼ାଟିଆ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଡିଜାର କାର୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଖବର ପାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ପାଖାପାଖି 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 70 କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 15-16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ବଜେଟ୍ର ରେକର୍ଡ ଅନୁଦାନ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବାଧିକ 9254 କୋଟି
तालचेर बिमलागढ़ 250 कोटि, अनुगुल सुकिंदा 475 कोटि, हरिदासपुर पारादीप 485 कोटि, जयपुर नवरंगपुर 81 कोटि, जयपुर मालकानगिर 13 कोटि 80 लक्ष, नुआपड़ा गुणपुर 10 कोटि, खोर्धा रोड बारंगड़ डबलिंग 164 कोटि, संबलपुर टिटलागढ़ डबलिंग 99 कोटि 50 लक्ष, बांसपाणी दैतारी डबलिंग 300 कोटि, संबलपुर तालचेर डबलिंग 172 कोटि 50 लक्ष टंकार अनुदान दिया जाइछि। एउछि बड़ खबर, रेलवे बजेट रे ओडिसा पई बर्तन रेकर्ड अनुदान आसीछि। ओडिसा को सर्वाधिक 9254 कोटि टंकार अनुदान मिलिछि। दिव्यज्योति महांती रहिछन्ति आम प्रतिनिधि न्यूज रूम रे। दिव्यज्योति, जदि आमे देखिबा, देखन्तु साधारण बजेट रे जति देखिया, यूनियन बजेट रे ओडिसा को जो भली भाबे अग्राधिकार दिया छि, से भली रेल बजेट रे मते रेकर्ड अनुदान दिया छि। सर्वाधिक 9254 कोटि टंका रो अनुदान दिया जाय छि ओडिसा को। तो या दर जो रही जतिबा पछि जतिबा जो रेलवे प्रकल्प रो छि, ता केते दूर त्वरान्वित हबो? देखन्तु नीलिमा निस्तमार, प्रधानमंत्रीकर जो मिशन पूर्वोदय योजना थिला, जेउथरे ओडिसा सर्वाधिक फोकस सबुबेले रही आसी छि। आपण प्रत्येक समय देखिबे 2014 मसिया परठु ओडिसा सबुबेले आर्थिक अनुदान क्षेत्र रे, केन्द्रीय आर्थिक अनुदान क्षेत्र रे बहुत आगे रही छि, एवं अधिक अंशधन ओडिसा को मिलिछि। जहार उदाहरण स्वरूप आपण आज देखि पार्थबे, ओडिसा को जेतेबेले रेल बजेट आसी छि, केन्द्रीय रेल बजेट रे सर्वाधिक कहि परबा दिया जाय छि, प्रायोरिटी दिया जाय छि। जहा भितर आपण देखन्तु, विगत वर्ष तुलना रे ए वर्ष पाखापाखि 2000 कोटि रु ऊर्ध टंका मिलिछि अधिक। एवं आपण जे देखिबे तुलनात्मक चित्र देखिबे, 2019-20 वर्षरे मिलिथिला 6232 कोटि टंका, एवं जेतेबेले 2020-21 बजेट रे जेतेबेले समग्र विश्व महामारी सहित लड़ुला, से समय केन्द्र सरकार ओडिशा को बा ईस्ट कोस्ट रेलवे को 5768 कोटि टंका देथिले, एवं 21-22 रे ए संख्या पुणी बढ़िला, सेतेबेले 6995 कोटि टंका दिगला। आज अर्थात 9000 रु ऊर्ध कोटि टंकार केन्द्रीय अनुदान रेलवे को मिलिछि, बा रेल विभाग को मिलिछि। निहाती भाबरे समस्त पई गोटिए बड़ खबर आमे कहि परिबा, जे रेल विभाग क्षेत्र रे ओडिसा को अधिक किभली अग्रणी करा जाय परिबो, किभली राज्यर विकास को रेल ट्रैक रे अधिक त्वरान्वित करा जाय परिबो, आगो को निया जाय परिबो, से नै केन्द्र सरकार बड़ योजना करछन्ति, जेउथरे विभिन्न रेल प्रकल्प को अधिक प्रमुखता सहकारे आगो को किभली ताहा भलो दिगरे जाय परिबो, एवं यात्री मानकर सुविधा, ता सहित ट्रेन चलाचल, अनेक जिला को किभली रेल संयोगीकरण अधिक फायदा मिलिबो, से दिगरे मध्य गुरुत्व दिया जाय छि। निहाते भारे जो 9000 कोटि टंकार रेल बजेट कराई छि राज्य को दिया जाय छि, सेथिरे अनेक गुडिए दिग को गोटे प्रकार अवलोकन कराई छि, समस्त दिग को विश्लेषण करिया परे विभिन्न पर्यायर टंका दिया जाय छि। आपण देखन्तु रेल संयोगीकरण रे किछि नुवा नुवा प्रकल्प आनिबा पई योजना करा होउछि, ता सहित आपण देखिबे यात्री मानक सुविधा पई मध्ये अनेक सेथिरे प्रायोरिटी दिया जाय छि, अनेक टंका व्यवहार कराई छि, एवं अनेक जो रहिछि रेलवे ट्रैक रहिछि सेथिर पुनरुद्धार बा तार दोहरीकरण पई मध्ये एथिरे टंका दिया जाय छि। जेउथरे सर्वाधिक फोकस रहिछि खोर्धा बलांगीर रेल प्रकल्प, जहाँ दीर्घ दिन धरि चली रहिथिला, जहाँ को नहीं मध्य अनेक समय प्रसंग होता जे राज्य सरकार जेहेतु जमी दे पारना, से खोर्धा बलांगीर रेल प्रकल्प आज पर्यंत शेष हो पार नहीं, किंतु ता सत्वे केन्द्र सरकार प्रति वर्ष यही रेल प्रकल्प पई बारंबार टंका दे सारी, एवं आज जो तथ्य आसी से कहुच्छ 200 कोटि टंका रु ऊर्ध टंका यही खोर्धा बलांगीर रेल प्रकल्प पई दिया जायछि। एवं आ गोटे कथा आपण देखिबे, पारादीप सुकिंदा रेल प्रकल्प कथा कहिबा किंबा अन्य तमाम जो रेलवे ट्रैक रहिछि ट्रैक ता पई नुआ नुआ करी किभळि रे अधिक टंका दिया जाइपरिबो, से नै मध्ये फोकस दिया जायछि। एवं आ गोटे कथा आपण तुलनात्मक चित्र देखिबे, यूपीए एवं एनडीए समय रे जदि आमे तुलनात्मक चित्र देखिबा किभळि राज्य को फोकस दिया जायतला, एवं एनडीए समय रे किभळि रे फोकस दिया जायछि, आपण देखिबे यूपीए सरकार जेतो थिला 2009-14 से समय रे रेल अनुदान बाबद वार्षिक हारहारी 838 कोटि टंका मात्र मिलुथला, किंतु वर्तमान वार्षिक यह 9000 कोटि रे पहुँचलाणी। निहाति भावर राज्यर रेल विकास किभ आग को बढ़ से नहीं प्रधानमंत्री सबुबले फोकस दे आसता, जोबले केन्द्र में जड़े ओडिया पुओ रेलमंत्री होती से आहरी अधिक प्रायोरीटी मिली ओडिशा को, एवं ओडिशा को अधिक फोकस। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव मध्ये कहिथिले पूर्व अपन जदि सुनिथिबे तांकर प्रतिक्रिया कि हुए तो रेलवे बजेट रे ओडिशा पई मध्ये एतरे किछि खास आसे पारे, एबे से खास होची 9254 कोटि, जेंते आपण कोंतु से रेलवे संप्रसारण हो कि से नुआ लाइन हो बा से डबलिंग हो बा जो गुडी
अटकी रही आहरी टी बेग दवाई अनुदान हो तेणु मोट उपर जी देखा देखो के जो बद प्रकल्प रही है से तालचेर बिमलागढ़ हूँ कि अनुगुल सुकिंदा हो कि हरिदासपुर पारादीप हो युवा अधिक अनुदान आसी जमी आप कहते कि उपासकार समय जो 838 कोटी बजेट रहा सही बर्तमान आसी से बजेट पहुंचला 9254 कोटे तो निहाती भाव में हजार गुणा अधिक जमी लगुच कि बजेट बढ़ी जाए ओडिशार रेलवे विकास हम अर्थात केवल जी मानते जो पूर्वोदय मिशन ओडिशा अच्छी ता नुहे प्रधानमंत्री जो कथ रही कि पूर्वोदय तो विकास रोबा तर एंट्री पॉइंट से प्रमाणित हो निश्चित भाव में प्रधानमंत्री सबुबले ओडिशा को फोकस दे आसंती प्रत्येक समय जो प्रधानमंत्री आसतांती प्रधानमंत्री एटी कहिसंती जे पूर्वोदय विकास एंट्री पॉइंट ओडिशा हबो एठारे बा ओडिशा गोटे प्रमुख माध्यम साजिबो पूर्वोदय विकास जो प्रत्येक समय अनेक आर्थिक अनुदान दि जाए से प्राकृतिक दुर्विपाक हो कि बजेट जो व्यवपराध हुए से समय ओडिशा को अधिक फोकस दिया है ओडिशा रे अनेक केंद्रीय योजना रो लाभ मिलवा सहित विभिन्न जो कहीपर अंशधन रही राज्य टिकस बाबद को हूँ केन्द्रीय टिकस बाबद हूँ अधिक अंशधन मिलूँ निहत चलित बर्ष देखिए आप गत दुई वर्ष तुलन में अधिक अंशधन मिली 36,000 कोटी टंका मिलूँ केवल केन्द्रीय अंशधन बाबद को राज्य को ता सहित विभिन्न केन्द्रीय अंशधन केन्द्रीय योजना बाबद अनेक गुड़े टंका मिलूँ जहाँ जहाँ परिमाण कहे पाखापाखि 67,000 करोड़ टंका कहुची एवं आपड़ी विभिन्न रेल प्रकल्पर जो सिंगल जहाँ रही विस्तृत बरणी रही आप देखिए अनुगुल सुकिंदा रोड पर कहुची जे 475 कोटी टंका एवं जेतेबेले आमे आलोचना करचे खोर्धा बलांगीर रेल प्रकल्प कथा से 236 कोटी टंका एवं ता सहित हरिदासपुर पारादीप रेल प्रकल्प 85 कोटी टंका तापर आपण देखिबे जयपुर मालकानगिरी पई आपण देखिबे आसुची 250 कोटी टंका से भली जयपुर नवरंगपुर पई जहां रही 46 कोटी टंकार आर्थिक अनुदान रही अन्यपटे नुआपड़ा गुणपुर न्यू लाइन एठी मध्य हेबाकू जाउची तापे मध्य पाखापाखी 10 कोटी ऊर्ध प्रथम प्राथमिक पर्यायर दिया जाइची एवं जो देखिबे संबलपुर गोपालपुर भाया फुलबाणी जो थे पाखापाखी 655 कोटी टंकार आर्थिक व्यवराध कराउची निहत भाव में अनेक गुड़े नुआ रेल प्रकल्प योजना रही सहित यात्री मान सुविधापी अनेक भित्तिमि विकास आर्थिक अनुदान दि जाइए ता सहित आम कहीपर नुआ ट्राक करने व्यवराध कराई नुआ ट्रेन चलाचल कि योजना रही जो थे स्पष्ट भाव में जना पड़ किस समय आप देखिए पूरा विस्तृत भाव में जो तथ्य रही जहाँ ईस्ट कोस्ट रेलवे पक्ष दि जाइए केन्द्र सरकार पक्ष जो तथ्य दि जाए कहुची जे विभिन्न दिग को पूरा अवलोकन कराई सबु दिग को अवलोकन करापे ओडिशार कि भाव में अधिक लाभान्वित हम ओडिशा से दिगरे विचार विमर्श कराई आम पुण् जदि पूर्व बजेट गुड़ी आउ थे तुलनात्मक चित्र ना तो 17-18 समय 5,102 कोटी टंका आर्थिक अनुदान मिलता और 18-19 5,252 कोटी ए 19-20 यह बढ़ी 6,232 कोटी पहुँचला और 20-21 जो मुझे कहती समग्र विश्व महामारी सहित लड़ई करूला कोरोना समय था से ही समय राज्य सरकार को प्रचुर अर्थ देते रेलवे क्षेत्र में केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री फोकस देते 5,769 कोटी टंका दि जाता है 21-22 अर्थात यही चलित आर्थिक वर्ष 6,995 कोटी टंका 21-22 दि जाता है यह 9,000 पहुंची चलित आर्थिक वर्ष भाव में आम कहीपर जे कि भाव में फोकस रही आउ जो से अभियोग बारंबार राज्य सरकार कि केन्द्रीय अवहेला केन्द्रीय अनुदान कम आसो प्रकल्प आग को जापानी से बाहाना चलबनी कारण बजेट आखि सामना रही बजेट अनुदान वर्षक वर्ष बढ़ी चली कमार ना संख्या जाए 9,254 पहुँचला तेणु आउ ये बाहाना चलबनी देखु निश्चित भाव में अनेक समय राज्य सरकार पक्षर हो बीजेडी पक्षर अभियोग कराए जे केन्द्र राज्य को अवहेला करमात्रक मनोभाव पोषण कर किंतु आजिकार ये जो तथ्य आसूँ आजिकार जो रेलवे क्षेत्र जो अनुदान आसी देखिले बोध हुए बीजेडी नेता माने हूँ बा जो माने अभियोग करते हैं हूँ अभियोग कर प्रश्न उठूनी पाखे आउसी अभियोग नारण एत संख्यक अनुदान केवे भी आगु मिल ना गोटे वर्ष आर्थिक वर्ष 9,000 कोटी टंकार ऊर्ध अनुदान देवा क्यों ना क्योंकि प्रथम एवं रेकर्ड संख्यक अनुदान बोली कहुच्छी
ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଛାଯାଇ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳିଛି, ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ 9,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆହୁରି ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିଭାଇବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଆସିଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେଉ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ ନଯାଇଛି। ଦେଖିବାର କଥା କି ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ସମସ୍ୟା, ଏ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅନୁଦାନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରେଲୱେର ବିକାଶ ଦିଗରେ, ତାପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ରେକ୍ଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ରେକର୍ଡ ଅନୁଦାନ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବାଧିକ 9,254 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ତାଳଚେର ବିମଲାଗଡ଼ ପାଇଁ 250 କୋଟି, ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦା ପାଇଁ 475 କୋଟି, ହରିଦାସପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ 85 କୋଟି, ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ 81 କୋଟି, ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ 13,80,00,000, ନୂଆପଡ଼ା ଗୁଣପୁର ପାଇଁ 10 କୋଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ବାରଙ୍ଗ ଡବ୍ଲିଂ ପାଇଁ 164 କୋଟି, ସମ୍ବଲପୁର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡବ୍ଲିଂ ପାଇଁ 99,50,00,000, ବାଂଶପାଣି ଦୈତାରୀ ଡବ୍ଲିଂ ପାଇଁ 300 କୋଟି ଏବଂ ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ତାଳଚେର ଡବ୍ଲିଂ ପାଇଁ 172 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ସମୟ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।